यहाँ पे हम लोग घर देखने निकले हुए थे, मैं, मम्मी और पापा। और यहाँ पे ये वाला हम लोगों ने फ्लैट देखा, तो यहाँ पे सब कुछ ओपन ओपन था। वैसे तो सारा ठीक था, लेकिन ज़्यादा ही कुछ इसका रेंट था। इसका 13,500 इसका रेंट था, और ऊपर से इसका लाइट बिल भी अलग था। तो फिर थोड़ा हम लोगों ने निगोशिएट किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कम नहीं किया। फिर भी हम लोग जा रहे थे, लेकिन ये प्लेस का मतलब ये जो ओपन एरिया है, इसकी वजह से हम लोगों ने इसको कैंसिल किया। तो ये वाला नेक्स्ट देखा, तो ये वाला काफ़ी मतलब ठीक ठाक लगा, क्योंकि इसकी बनावट घर जैसा है एकदम। तो बनावट घर जैसा है इसलिए बहुत पसंद आया था, लेकिन ये छोटा पड़ रहा था, छोटा पड़ रहा था। फिर भी हम लोगों ने कंसीडर किया कि थोड़ा सामान मेरे घर पे रखेंगे और फिर यहाँ पे मम्मी पापा लोग शिफ्ट हो जाएंगे। तो जिस दिन हम लोग शिफ्ट होने गए, मतलब नेक्स्ट डे जैसे शिफ्ट होंगे, तो चाबी लेने गए, तो इनका इस घर का जो ओनर है, उन्होंने कहा कि ये एक चाबी रखेंगे अपने पास। तो फिर थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि कभी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी ने नहीं कहा ऐसे कि अपने पास हमारे घर की एक चाबी रखेंगे। तो फिर हम लोगों ने वो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर हम, मैं, मम्मी और अवनी आए मेला देखने। राज मेला का आज पहला दिन था, आज मतलब ये उसी दिन का शूट किया हुआ है जिस दिन पहला दिन था। तो सारा कुछ आया हुआ नहीं था, लेकिन कुछ जितना भी था मैंने शूट किया। तो यहाँ पे तो कृष्ण राधा की मूर्ति है, जो राज का जो मेन होता है, उनका दशावतार और बाकी सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था, जो हर साल करते हैं। तो इस साल भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा शूट किया। तो देखिए आप लोग, अच्छे से मैंने दिखाया है, कवर किया है अच्छे से। तो ये कृष्ण जब गोवर्धन उठाते हैं तब का है, और ये कृष्ण सुधामा मिलन वो वाला सीन है, और कुछ कुछ है जो सारे मुझे नहीं पता। ये हर साल राश में ऐसे ही सजाया जाता है, बहुत ही सुंदर तरीके से। तो हम लोग बचपन से आते हैं, तो फिर यहाँ ना आए तो बहुत ही अधूरा सा लगता है। तो देखिए ये कृष्ण जी का बाल रूप है, और यहाँ पे दशावतार दिखाया गया है। तो हर साल अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, तो इस साल थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया है। तो आप लोग के यहाँ पर सेलिब्रेट होता है कि नहीं ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही कितनी भीड़ है लोगों की, बहुत सारे लोग थे। मुझे खासकर बहुत अच्छा लगता है यहाँ राज में आना, बहुत पहले से, बचपन से ही। और अभी अवनी को लेके गई थी तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उससे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। बहुत मतलब वो पूछ रही थी कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों हुआ है, तो उसे एक्सप्लेन करते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमारे यहाँ के राज मंदिर नाम घर है, तो बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं हर साल। ये मम्मी और अवनी जा रहे हैं आगे आगे, तो ये वाले दूसरे साइड में सजाया हुआ है। तो पूर्णिमा का चांद है, अच्छी तरीके से क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे पास मोबाइल कैमरा से मैं शूट कर रही थी, कैमरा मैं लेकर नहीं गई थी। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगा, मोबाइल से अच्छे से शूट होता है, बस जूम नहीं होता अच्छे से, जूम होने से थोड़ा ब्लर हो जाता है। तो देखिए कितने सुंदर तरीके से मंदिर को सजाया गया है। अवनी देख के बड़ा डर गई, वो बोल रही थी पहले तो चलो चलो चलते हैं, तो फिर मम्मी के साथ वो जाने लगी। अभी हम लोग मेला देखने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर कुछ खिलौने दिख गए अवनी को, तो उसे ये डोरेमोन दिख गया, तो उसने डोरेमोन ले लिया। तो अभी फिर से हम लोग जा रहे हैं वॉक करके, उसे भूख लग रही थी, बोल रही थी। तो अवनी को यहाँ पे दिख गया खिलौना, तो फिर खिलौना ले लिया। उसके बाद उसे दिख गया और खिलौना,
तो वो बोल रही थी उसे राइट करना है, तो यहाँ पे मम्मी ने उसे चढ़ा दिया। मुझे तो मैं तो बोल रही थी कि उसको मत चढ़ाओ क्योंकि घर पे गाड़ी पड़ी हुई है, कभी नहीं चलती है, लेकिन मेले में हमेशा जाकर गाड़ी की राइड करेगी। तो यहाँ पर अपनी को दिख जाता है ट्रैम्पोलिन, तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट कर रही थी मम्मी को कि मुझे ले चलो ट्रैम्पोलिन की तरफ, मुझे वहाँ जाना है। तो हम लोग उसको वहाँ पर लेके गए, तो यहाँ पे ये गई ट्रैम्पोलिन में चढ़ने के लिए। तो अपने को यहाँ पे भूख लगी थी और यहाँ पे ये वाला शॉप बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहा था, अभी भी कर रहा है, नहीं आज तो ख़त्म हो गया वैसे मेला। तो ये हम लोगों ने लिया था, 20 रुपये का एक प्लेट था। इतना अजीब सा, इतना गंदा सा स्वाद था इसका कि कोई भी नहीं खा पाया इसे। तो यहाँ पर गई मेले की लाइट, फिर हम लोग जाने लगे घर। तो बस इतना ही मैंने शूट किया, तो आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बाय बाय।